जनपद के नगला थाना क्षेत्र में गांव बहेड़ा में एक भाई द्वारा अपनी बहन की बहरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो लगभग एक से दो माह पुराना बताया जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया में वायरल ये वीडियो मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो है। इस वीडियो में एक भाई अपनी बहन को लाठी से दौड़ा दौड़ा कर पीट रहा है। बहरहमी से पिटाई करने वाला भाई को अपनी बहन पर जरा भी तरस नहीं आ रहा। बहन के लहूलुहान हो जाने के बाद भी ये बहरम भाई गांव में सरे रहा, अपनी मजबूर बहन को पीटता रहा। बिजनौर के बहेड़ा गांव में ये वायरल वीडियो पीड़ित मंजू का है। मंजू मानसिक रूप से बीमार है, आए दिन किसी न किसी को कुछ न कुछ बोल देती है। ये वीडियो एक से दो माह पुराना है। जब किसी बात को लेकर बीमार मंजू ने अपने अंकल को कुछ कह दिया, तभी नाराज भाई ने अपनी बीमार बहन को इतना मारा कि देखने वालों की रूह कांप जाए। वायरल इस वीडियो में बहन अपने भाई से पिटाई ना करने की गुहार भी लगा रही है, लेकिन इस भाई को अपनी बहन की पिटाई पर जरा भी शर्म नहीं आ रही। उधर आरोपी भाई अपनी बहन को लहूलुहान हो जाने के बाद भी पीटता रहा, लेकिन कोई भी इस अत्याचारी भाई को रोकने सामने नहीं आया। उधर वायरल इस वीडियो को लेकर जिले के एसपी सिटी प्रभाकर चौधरी ने बताया कि मामला मेरे संज्ञान में आया है, मैंने संबंधित थाने में मामले की जांच करने को कहा है। पुलिस इस मामले में जांच कर बीमार लड़की की पूरी तरह मदद करेगी और आरोप सिद्ध होने के बाद पुलिस कार्रवाई भी करेगी। जिसमें एक भाई अपनी बहन को मार रहा है, क्या मामला है? ये मुझे एक कुछ लोगों द्वारा बताया गया और जो अभी थाने से बात भी कल रात में एसओ को भेजा भी गया था, उसमें भाई बहन है, दोनों सगे भाई बहन हैं, उनके माँ बाप भी हैं मौके पे, वीडियो में जो दिख रहे हैं। और ये सही है कि लड़की की पिटाई की गई है। जांच करने पर ये पता चला कि लड़की मेंटली चैलेंज्ड है और ये घटना पिछले लगभग एक डेढ़ महीने पुरानी है, दशहरा के आसपास की है। गाँव वालों से भी बात हुई तो उनका कहना है कि इसका इलाज भूत प्रेत के चक्कर में या कहीं और भी इलाज जो लोग कराते रहते हैं। उस दिन कोई विवाद हुआ, लड़की ने मेंटली चैलेंज है इसलिए अपने भाई को कुछ बोला तो पूरे परिवार के लोगों ने उसको पिटाई किया। इस मामले में जो अन्य तथ्य आए हैं उसमें कोई भी व्यक्ति एक तो तहरीर नहीं दे रहा, दूसरा इसमें जिला प्रोबेशन अधिकारी को भी भेजा गया है कि वो भी मामले को देख लें और उस लड़की के लिए हम क्या मदद कर सकते हैं शासन स्तर से या जिला प्रशासन स्तर से जो भी हो सकता है उसके लिए उनको भी भेजा गया है कि किस नियम के तहत कहाँ कार्रवाई इसमें की जाए ताकि उस लड़की की मदद हो सके। अगर आवश्यकता होगी तो उसको जो है जो मेंटल हॉस्पिटल होते हैं वहाँ भी हम लोग उसको भर्ती कराएंगे ताकि उसका उचित इलाज हो सके और इस तरह का जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही है उसे निपटा जा सके।